एग्जाम्पल 1.1, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श कराए बिना आवेशित किस प्रकार करोगे? आप किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए हुए किस प्रकार आवेशित करेंगे? ये एक चालक गोला है जो अचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। चालक गोले का मतलब कोई धातु का गोला है, किसी भी मेटल का, तांबा, चांदी, लोहा, अचालक स्टैंड, जैसे किसी लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है। अब हम फर्स्ट के बाद सेकंड डायग्राम पर पहुंचेंगे। जब इसके निकट कोई आवेशित छड़ लाई जाती है, जैसे इस चित्र में नेगेटिवली चार्ज्ड ऋण आवेशित छड़ को लेकर आए हैं, तो ये ऋण आवेशित छड़ नेगेटिवली चार्ज्ड हो, इस चालक गोले पर उपस्थित धन आवेश को अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं, और इस पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करके दूर भेज देगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये चालक गोला उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ये उदासीन इसलिए है क्योंकि इस पर जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही माइनस का चार्ज होगा। चार प्लस होंगे और चार माइनस होंगे, मान लेते हैं। अब जब इसके निकट हम नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेश से छड़ लाएंगे, तो ये इसके धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ऋण आवेश को दूर भगा देगा। विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। थर्ड स्टेप, हम इसे पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो इधर के जो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स, इधर का ऋण आवेश अर्थ में समा जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, लेकिन प्लस नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्लस को माइनस ने अट्रैक्ट कर रखा है, आकर्षित करके रोका हुआ है। फोर्थ स्टेप, अब इस आवेश से छड़ को दूर कर देंगे। इस छड़ के दूर जाते ही जो प्लस आवेश इसकी ओर रुका हुआ था, इसके पास, इसके निकट रुका हुआ था, इस माइनस की वजह से प्लस इसी कोने पर था, वो पूरे गोले पर एक समान रूप से फैल जाएगा और ये गोला धन आवेशित हो जाएगा। धन आवेशित हो, तो इस प्रकार हम इस चालक गोले को इस छड़ से बिना स्पर्श किए हुए आवेशित कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज NCERT का एग्जाम्पल 1.1 था।